कि आएगी कांग्रेस तो मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे देगी या जमीन मुसलमान कभी। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं खूब खूब नमन और प्रणाम करती हूँ, और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता को अपील करती हूँ वोट के देने के लिए, और सभी हिंदुस्तान की मीडिया को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज जो यहाँ बैठक की गई है, किस तरह की बैठक कराई गई है? देखिए, ये हम अनुसूचित जनजाति हूँ, बात समझ रहे हैं, जनजाति हूँ, पहले भी पूर्वांचल में इसका अध्यक्ष रही हूँ, बात समझ रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो जात प्रमाण पत्र के लिए देख रहे हैं भाजपा सरकार में ना, हाँ, इनकी सरकार में जो जिसकी जात प्रमाण पत्र बनी है उसको भी ये दारा चौहान का रिश्तेदार लेखपाल ख्वाजा जहाँपुर में पोस्टिंग है कह रहा है कि यहाँ गुण नहीं पाई जाती है। हाँ बताइए, तो दारा चौहान ये बताओ मंत्री कि गुण तो यही पाए जाते हैं, कमकर यही पाए जाते हैं, और नूनिया कहाँ पाए जाते हैं? अगर तेरा लेखपाल नहीं बताया तो माँ कसम मैं पृथ्वी राज चौहान की जन्म कुंडली बता दूंगी, इतनी मेरी माँ ने शहीदी जिले में पैदा की है और पढ़ाई है। और ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के बारे में बता दूंगी कि पृथ्वीराज चौहान क्या था और ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क्या थे, बताइए ये कोई बयान है? जब कौन आवता तो बाइकॉट में कह देता, जब कौन आवता तो अनुसूचित में कह देता, जब कौन के सरकार आवतिया तो जनजात में, बताइए कितनी श्रेष्ठ जातियाँ है। इस जातिया का छुआ हुआ हर जात पानी पीती है तब वो पाक होता है। हाँ, किस कोम में लाकर ढाल दिया इस जातियों को? 2% आरक्षण मिल रहा है तभी इस सरकार बनी हुई सरकार को गुर्दे में दर्द हो रहा है। जो आप जात की बात कर रहे हैं, तमाम सरकारें आई गए, भाजपा आए, बसपा आए, सपा आए, कांग्रेस आए, तो क्या जात आज तक आपका मैनुअल जारी नहीं हुआ क्या? कि नहीं नहीं, समाज देखिए कहना नहीं चाहिए, ये नहीं है कि मैं आज समाजवादी पार्टी में गई हूँ तो मैं तारीफ कर रही हूँ, इसके पहले भी BSP में मैं लीडर रही हूँ, बात समझ रहे हैं। उसके पार्टी में तो जानते हैं पैसा फेंको तमाशा देखो, हमारा एक कोटा आया था, जो ये नेता सर्वे कर रहे हैं, हमारा कोटा आया था रॉबर्ट्सगंज दूधी और सोनभद्र, बात समझ रहे हैं, हर आदमी का कोटा ये बांट रहे हैं ना, उसमें हमारा पैसा उसके जोनल कोऑर्डिनेटर ने और BSP के गुर्गों ने लूट लिया, तब मैंने छोड़ दिया। हम निर्दल चुनाव ऐलान की थी ओम प्रकाश राजभर के लिए कि 2004 का बदला तुझे 2024 में लूंगी, मगर हर पार्टी का मिशन होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने हमको इतनी बड़ी पद दिया है, इसका मैं उनका आभारी हूं। किस पद, कौन से पद दिए आपको, किस पद से नवाजे आप? किन्नर सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष। अच्छा, किन्नर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष जी। अभी 17 तारीख को उनके रोड शो में गई थी लखनऊ जी, बात समझ रहे। अभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कह रहे हैं कि मैं विद्यार्थी को एक बार मुंबई में मुलाकात हुई थी, जिसमें उसको हमने हमको बहुत तड़तार किया था, आज सामना सामना भेंट हो गया है, मैं उसको यहाँ से 71 लोकसभा सलमपुर से हरवा करके मैं भेजूंगा, इस पर क्या कुछ बताएंगे? 1947 के बाद बहुत टॉप लीडर होगा ना भाजपा का और बहुत टॉप नेता। 1947 के बाद ना ओम प्रकाश ऐसा राजभर घटिया नेता पैदा हुआ है और ना होगा हिंदुस्तान में, क्या बात कर वो तो कह रहे कि मैं जब भी जाता हूँ हमें मंत्री पद को से हमको नवाजा जाता है, हम उस तरह के नहीं होते तो क्यों हमको मंत्री पद दिया जाता है? हमसे ज्यादा उसके बारे में नहीं ना जानते हैं कि जानते हैं ये ट्रेन से चल कर आया, बात समझ रहे हैं, ये टेम्पू चलाता था, गढ़ही पोखरे में मछली मारता था, आलू कोड़ता था, भंटा नोचता था, सब्जी नोच के ले जाके मंडी में बेच देता था। आप लोग हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ में, पहले उसको अरविंद राजभर कहते थे, अब डॉक्टर क्या है? आप लोग भी टाइटल रखना जानते हैं। हाँ,
जो डॉक्टर होता है वो MBBS लिखा रहता है ना, किस चीज का सर्जन है। अब तो मैं शुगर की मरीज हूँ, आप चौथा स्तंभ में उससे पूछ के आइए कि किस चीज का सर्जन हो भाई। हाँ, ये कोई बयान है उसका? हाँ, इस डाल पर से उस डाल पर, उस डाल पर से उस डाल पे। बहन जी को इतनी, जब वो पार्टी से निकला BSP से, BSP में अध्यक्ष रहा, दो दो बारे में ले रहा, चुनाव लड़ा, हार गया, बहन जी को क्या कितनी गंदी शब्द बोल रहा था। हाँ, जब उसमें से गया सपा में, तो भाजपा को लगा हलकार ने, अब भाजपा में है तो मुखिया को ललकार रहा है। तो ये पढ़ाई नहीं किया है कि मछरी मर ले भाई, अंताक्षरी पढ़ ले बाना सब बाप बेटा। हाँ, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अरे इसको धिक्कार है, और हिंदुस्तान की दुर्भाग्य है जनता को कि ऐसे फ्रॉड नेता पैदा हो गए। ये अभी छड़ी पाया है ना, अभी ये अब जाल अंसारी की लड़की भी छड़ी पा गई है। कैसे माना जाए कि ये इसकी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, हमको बता दीजिए। सिंबल घोसी में उसका लड़का छड़ी से लड़ रहा है, यही अफजल अंसारी की लड़की गाजीपुर से लड़ रही है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, वो है 70 लोकसभा घोसी से माने ओम प्रकाश राजभर का, अरविंद राजभर ने चुनाव लड़ रहे हैं, बट उन्होंने घोसी में ना प्रचार करके अदर जिलों में अदर तुम्हें प्रचार कर रहे हैं, जैसे 71 लोकसभा सलेमपुर है उसमें बार बार उन्होंने अपना मंच लगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बाकी घोसी में क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं? देखिए, हम भी चुनाव लड़े हूँ, उनको भी काफ़ी अनुभव है, ऐसे प्रधानमंत्री से नहीं चुनाव लड़े। अभी बुरी तरह अपने बाणी के लैंग्वेज से हार कर गया ना ओम प्रकाश उप चुनाव में, देखते रहिएगा। अब इसको हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी इसको भेजे हैं परीक्षा लेने के लिए, बात समझ रहे हैं। 9 महीना तो इसने पैर खिसकाया तो एक मंत्री पद पा गया, ना चारज पाया भा कुछ नहीं पाया, तब तक चुनाव का घोषणा हो गया, बताइए। तो इसको लोग परख गए। अभी आपने कहा कि माननीय आदित्यनाथ योगी ने इनको परीक्षा ले रहे हैं, क्या चुनाव के बाद इनका मंत्री पद रहेगा क्या? हटा दिया जाएगा, लिख लीजिए, हटा दिया जाएगा जी। ये रहेगा नहीं भाजपा में, इसके पहले भी ये मंत्री रहा है, ये बहुत मदारी है, हम इसको जानते हैं। हमने ऐलान किया ना कि 1947 के बाद ना ऐसा घटिया बोलने वाला ना नेता पैदा हुआ है हिंदुस्तान में, ना होगा। वर्तमान सरकार चल रही है जो रोजगार और बेरोजगारी का बात कर रही है, और क्या नाम है कि आवास, PM आवास की बात कर रही है, कितना तक कारगर है जो हमारे जनता के बीच, हमारे गांवों के बीच PM आवास देने का काम किए हैं? देखिए, बाड़ी सब कुछ कराती है, इनका हमारे हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल जनता देख ली है, बात समझ रहे हैं। इनका हवा हवाई रहा है बाणी, बात समझ रहे हैं। जो इन्होंने कहा वो किया नहीं, खरा नहीं उतरा, नहीं खरा नहीं उतरे। अब बात रही है इंडिया गठबंधन की, तो देखिए, इंडिया गठबंधन का चुनाव पूरा हिंदुस्तान की जनता लड़ रही है। किस चीज पे लड़ रही है? संविधान बचाओ, ये बेरोजगारी का मुद्दा है, बात समझ रहे हैं। तमाम समस्या है, महंगाई इतनी चरण सीमा पे चल गई है कि 1947 के बाद इतना महंगाई नहीं हुआ है। सिलेंडर भी देख लीजिए, हर कुछ देख लीजिए, 5 किलो चाउर से पेट नहीं भरी। नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं 15 लाख रुपया हर जन के खाते में भेज, कहाँ मिला है? कौन हिंदुस्तान की ऐसी जनता है उससे बुलवाइए, या भाजपा का बहुत से टॉप लीडर है, प्रवक्ता है, उससे बुलवाइए। इस बार इंडिया गठबंधन का जीत होने वाला है, बात समझ रहे हैं। संविधान बचाओ, ये देखिए, ये क्या बात करेंगे, अगर भाजपा 362 सीट पा जाएगी ना,
तो संविधान को खत्म कर दे। वो तो 400 पार कर रहे हैं आप, कह रहे 362 सीट कर रहे हैं। अरे तो वह विद्वान थोड़े हो गई बाना जो उनका टार्चर है कि 370 अब 400 कह रहे थे आप हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ में, तो क्यों हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री माननीय अमित शाह कह रहे 370? बात समझ रहे, 370 नहीं आएगा, 400 नहीं आ जाएगा, कहीं 200 आ जाओ तो आ जाओ। जो नियम इन लोग का है, जो अनुभव कहते हैं, अपने को विद्वान कहते हैं हिंदुस्तान के, ऊंच नीच अमीरी गरीबी भेदभाव के गलीवारों में ये हिंदुस्तान को भटका रहे हैं। हमसे सुनिए बाबू, जहाँ तक मेरी माँ ने पढ़ाई है और जिस कौम की हूँ हमने नहीं छिपाया है, अगर 362 सीट अगर ये निकालती है तो संविधान को ख़त्म कर देगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ख़त्म कर देगी। आप धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, आप चुनाव नहीं कर पाएंगे। मैं आप हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विद्वान लीडर नेता होगा ना, उससे पूछ कर आइएगा कि ये क्या बात सत्य कह रही है, तब हमसे पूछिएगा। ये सब खोखलाबाजी है, दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान के माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को कि एक मंगल सूत्र पे बोल गए। दुर्भाग्य है भारत की जनता को कि जो इन्होंने जमीन पे बोल दिया कि आएगी कांग्रेस तो मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे देगी या जमीन मुसलमान कभी दी है? आप बताइए, आप लोग भी तो हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ में, आप लोग को भी तो आवाज उठानी चाहिए। क्या तीसरी बार भाजपा नहीं आएगी? नहीं आएगी, सफाया है भाजपा का इस बार। जनता मूड बना लिया कि इस बार भाजपा को सफाया करना। मैं आपको ऐलान करके कहती हूँ और हिंदुस्तान की जनता को नमन भी करती हूँ दिल की गहराई से, जनता और मीडिया को धन्यवाद देती हूँ, इंडिया का पक्का धन्यवाद।